वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। समर के सीजन में भी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके गार्डन में फूल खिले रहें, तो उनमें से सबसे एक जो अच्छा फ्लावर प्लांट मैं जिसे मानती हूं वो है हिबिस्कस। और हिबिस्कस मार्च से लेके और नवंबर तक आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको देगा, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखें। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम अनजाने में ही बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा हिबिस्कस नहीं खिलता, अगर खिलता भी है तो बहुत कम खिलता है। तो आज हम यही सब जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और आप लोगों के कमेंट के बेसिस पे ही मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मेरे पास हिबिस्कस की बहुत सारी वैरायटी है जो तकरीबन मार्च से लगातार खिल रही है। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है टेम्परेचर का, कि जैसे अभी मई का एंड है आज, और जैसा कि आप लोग देखते आए होंगे मेरे प्रीवियस वीडियो में, आप लोगों को कहीं ना कहीं हिबिस्कस ज़रूर दिख रहा होगा खिला हुआ, और लगातार ये खिलते जा रहे हैं। अभी दो दिन पहले बारिश हुई थी तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, फिर अचानक टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो थोड़ी फ्लावरिंग कम हो गई, लेकिन कंटिन्यूस इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और आप अभी देखें, मेरा ये प्लांट लगातार मार्च से फ्लावरिंग कर रहा है, और इसमें आप देखेंगे इस वक्त भी कितनी सारी कलियां, अभी मैं गिनने लगूं इसमें बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ये देखें, यहां देखें, यहां ऊपर की साइड देखें, ये सारी कलियां बहुत सारी इसमें बनती जा रही हैं और कंटिन्यूस बनती जा रही हैं। और आप एक चीज़ आपने शायद नोटिस किया होगा कि मेरे इस हिबिस्कस के प्लांट में पत्तियों का आकार बहुत छोटा है, जबकि ऐसा नहीं है कि इनकी पत्तियों का आकार इतना ही रहता है। हम जब गलत फर्टिलाइज़र का चुनाव करते हैं, किस समय हमें इसे फर्टिलाइज़ करना है, क्या फर्टिलाइज़ करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये सब गलतियां करते हैं तो उसके क्या उसका क्या असर पड़ता है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए मुझे जिसमें मैंने देखा कि उन्होंने बोला कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ग्रीन रहती हैं, प्लांट बहुत हेल्दी होता है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब प्लांट अपने ग्रोइंग पीरियड में होता है, जनरली आपने देखा होगा कि जब विंटर का सीजन होता है उसमें ये अपने डोरमेंसी में होते हैं, और उस वक्त इनकी सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं। उसके बाद जैसे ही स्प्रिंग आता है इसमें पत्तियाँ निकलनी शुरू होती हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं कि काउडंग का इस्तेमाल करते हैं या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम बार बार वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली हिबिस्कस में, इसकी पत्तियों का रंग काफ़ी ग्रीन हो जाता है, पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी और बड़ी हो जाती हैं, लेकिन फ्लावर आपको नहीं मिलते। तो हम कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें? ये एसिड लविंग प्लांट है, स्पेशली हिबिस्कस को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, मैं दो फर्टिलाइज़र स्प्रिंग से देना शुरू करती हूँ। उसमें से एक है पोटास से रिच, या तो आप मार्केट से ऑर्गेनिक पोटास लेके आएं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, अदरवाइज़ आप केले के छिलके का पाउडर बना के या फिर उसके लिक्विड फॉर्म में इसमें दे सकते हैं, मैं ये काम करती हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट खाद है जो मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँगी, वो है चाय की पत्ती। आप उसे यूज्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर यूज़ नहीं करना चाहते, आप स्टोर करके नहीं रखते हैं या फिर उसकी खाद नहीं बनाते हैं, तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप चाय की पत्ती डायरेक्ट यूज़ करें, अमाउंट बहुत कम रखें, नहीं तो उल्टा असर हो सकता है। तो मैं जो खाद बनाती हूँ वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। ये इस तरह से टी लीफ कंपोस्ट मिल जाती है स्पेशली इस प्लांट के लिए, तो बहुत बढ़िया है। ये देखें, इसमें मेरे एक्सेल भी मिले रहते हैं, और ये जो है ये खाद बनके रेडी है। तो जब हम इसकी मेरे चैनल पे इसकी वीडियो अपलोडेड है तो आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा। और जब हम ये खाद बना लेते हैं तो ये रेडी टू इन लोगों के लिए इंस्टेंट फूड का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हमने टी लीफ या तो डायरेक्ट यूज़ किया या यूज्ड वाली हमने इसमें डाली, तो उसको एब्जॉर्ब होने में 15 डेज लग जाते हैं। लेकिन जब इस तरह से अच्छे से डिकम्पोज्ड ये डालेंगे खाद, तो ये बड़ी जल्दी इसको ले लेता है,
और आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। तो हम अगर आप लोग हिबिस्कस लगाना चाहते हैं या रोज प्लांट आपको बहुत पसंद है तो आप ये टी लीफ कंपोस्ट जरूर बनाएं, और महीने में एक बार थोड़ी मात्रा में देना है। वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे मेरा ये 12 इंच का ग्रो बैग है और इसमें ये इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है, तकरीबन डेली फ्लावरिंग करता है। और आप लोगों को बता दूं कि ये हैवी फीडर प्लांट होते हैं, तो मंथ में एक बार जो अमाउंट अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ इतने बड़े प्लांट के लिए वो सफिशिएंट होगा। तो आप देखें इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो अच्छे से गुड़ाई कर लें इसकी इस तरह से, और इस तरह से हमने गुड़ाई कर ली। अब इसे मिट्टी में मिला देना है। हमें मात्रा कितनी रखनी है, तो इतने बड़े प्लांट के लिए एक मुट्ठी सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा ना डालें क्योंकि ये बहुत असरदार और बहुत ताकतवर खाद होती है। तो इस तरह से हम अपनी मिट्टी में मिला देंगे। ध्यान रहे कि चूँकि ये लगातार फ्लावरिंग कर रहा है तो आप 15 से लेकर के 1 महीने में इसे ज़रूर डालें। अगर मान लें कि 15 दिन में आप नहीं डाल पाते हैं तो 1 महीने में तो ज़रूर ही डालें, क्योंकि लगातार प्लांट फ्लावरिंग करता है तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और प्रॉपर फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। ये पता होना चाहिए कि उसे चाहिए क्या। और अगर आप केले के छिलके का इस्तेमाल करते हैं तो मंथ में 2-3 छिलके इसे सुखा के इसमें डालें, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ये देखें, ये मेरा एक दूसरी वेराइटी का प्लांट है और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है और ये बहुत बड़े बड़े फ्लावर होते हैं और इनका सेप साइज़ आप देख सकते हैं। और जब ये विंटर में फ्लावरिंग करता है तो बहुत चटक कलर के होते हैं। इस मौसम में थोड़े इसके फ्लावर फेड हो जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये भी लगातार कंटिन्यूस फ्लावरिंग कर रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। जनरली जो भी लोग हिबिस्कस लगाते हैं वो मिली बग्स से बहुत दुखी होते हैं। ये इतने परेशान करते हैं समर में कि आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि किस तरह मिली बग से मेरा ये प्लांट अफेक्टेड है। ये देखें, और एक बार जब ये लग जाते हैं आप देखें किस तरह चींटियाँ और मिली बग मेरे प्लांट को परेशान कर रही हैं। और अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये एक भी कली यहाँ से नहीं निकलेगी, ये फ्लावर भी मेरा ब्लूम नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। यहाँ देखें, यहाँ थोड़ा थोड़ा ये चारों तरफ फैल रहा है। आप देखें नीचे नीचे बहुत सारी कलियों में, यहाँ देखें ये छोटी कली को बनने ही नहीं देगा और धीरे धीरे ये सारे प्लांट को सुखा देता है। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में इसका एक आसान सा सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। वैसे मेरे चैनल पे इसकी भी वीडियो अपलोड है और वो इतना इफ़ेक्टिव है कि आप आजमा के उसे देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। अगर आपने वो सॉल्यूशन बना लिया तो आप साल भर के लिए फ्री हो जाएंगे। जब भी इसमें हल्का इन्फेक्शन देखें उसी वक्त आप उसे अप्लाई करें, आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, स्वस्थ रहेगा। इस वाले मेरे प्लांट में भी मिलीबग लगे हुए थे लेकिन मैंने उसी सॉल्यूशन का स्प्रे किया और आप अभी देख सकते हैं कि मेरा प्लांट बहुत हेल्दी है, बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं इसमें। इसके बाद जो एक सीक्रेट है वो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप इस प्लांट को लगाएं तो इसको जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र ना करें बड़े प्लांटर में, क्योंकि ये रूट बाउंड होना बहुत पसंद करता है। आपने जनरली देखा होगा कि कुछ ऐसे फ्लावर प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे क्या, मैक्सिमम जो भी प्लांट हम कंटेनर में लगाते हैं वो जब रूट बाउंड हो जाते हैं तो वो फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं, फ्रूटिंग करना बंद कर देते हैं। ऐसा समझ लें कि उनकी ऑल ओवर ग्रोथ जो होती है वो अफेक्टेड होती है। लेकिन हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है जो रूट बाउंड को पसंद करता है। अगर आपने, जैसे आप ये देखें, ये मुश्किल से 10 इंच का पॉट होगा और इसमें ये हिबिस्कस का अच्छा खासा मेरा पुराना प्लांट है ये लगा हुआ है। अभी तक मैंने इसे किसी भी बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये लगातार फ्लावरिंग कर रहा है। और अगर मैं इसे लार्ज कंटेनर में डाल देती हूँ तो आप देखेंगे, खुद ही आप ये सब एक्सपीरियंस कीजिएगा कि इसके पत्ते बड़े बड़े होंगे। ये अपनी पूरी एनर्जी अपने ग्रोथ पे लगा देता है, ये लंबा चौड़ा हो जाएगा। आप खुश होंगे देख के कि मेरा प्लांट इतना जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रहा है। नीचे से भी उसकी रूट फैलती हैं और ऊपर से उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा,
ये आप आजमा के देख लीजिएगा। इसलिए जब भी आप प्लांट लगाएं, अगर बहुत छोटे गमले में है तो उसे एक साइज लार्जर पॉट में आप कर सकते हैं, लेकिन इसको छोटे पॉट में रहने दें, आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। जनरली इसके लिए 12 इंच का पॉट एकदम आइडियल होता है, तो आप इसी तरह से इसके पॉट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये समय सही नहीं है, मई जून के मंथ को आप अवॉइड करें और आगे आने वाले मॉनसून का वेट करें। उसके बाद आप कितनी भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। मॉनसून में बहुत आराम से इसके प्लांट बन जाते हैं। इसे चूँकि ये लगातार फ्लावरिंग करता है तो इसे आप फुल सन में रखें, अगर थोड़े से भी सेडी प्लेस में डाल देंगे तो फिर से वही वाली बात होगी कि पत्तियाँ ग्रीन रहेंगी, बड़ी रहेंगी, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। इसके अलावा इसके वाटरिंग का भी ध्यान रखना है। जब इसका ये फ्लावरिंग पीरियड स्टार्ट हो जाए उस समय से आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इसकी मिट्टी सूखी नहीं रहनी चाहिए, हमेशा मिट्टी को मॉइस्ट रहना चाहिए। तो गर्मी के दिनों में आप एक दिन भी ऐसा ना करें कि इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए, तो बस इसके वाटरिंग का भी ध्यान रखें। और ये जो छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको दी हैं, आप इसको आजमा के देखें, फिर मुझे कमेंट भी करें कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।